गठुड़ जो है हमारी जो अर्थ है उस पृथ्वी का जो फ्रंट का पार्ट है उसका सेंटर है। हमारा फर्स्ट पॉइंट 3000 यात्रियों का बिठूर में यूपी में। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार कुंवर जी ट्रेवल्स दिल्ली से। मैं आपको आज की यात्रा के बारे में सारा डिटेल शेयर करूंगा कि हमने क्या क्या करा और कहां कहां गए। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारा 3 जगह से पिकअप था, झांसी, कानपुर और लखनऊ। हमने सफलतापूर्वक अपने 3000 यात्रियों का पिकअप कर लिया है। अब हम 3000 यात्रियों को लेकर बिठूर जा रहे हैं। बिठूर यूपी में है और वहाँ हमने क्या क्या दर्शन करे मैं आपके उसको सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। कानपुर से आज निकल गए हैं, यात्रा शुरू कर दी है हमने राम यात्रा, और पहला पॉइंट हमारा बिठूर है और यहाँ से 20-22 किलोमीटर के करीब है। लगभग हमें आधा से पौन घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। और आज हमारा ये तीसरा दिन है यात्रा का और शुरू हमने कर दिया है। जय सीताराम। 1000 यात्रियों का भोजन की व्यवस्था का स्थल, ऐसे 3 पंडाल लगे हुए हैं जहां हमने यात्रियों को भोजन करवाया। खुले पैसे नहीं है अभी। क्या नाम है बाबू? राजन। आपका बाबू क्या नाम बोलते हैं परिवार कल्याण के नाम से? अरुण बोलते हैं। दीदी भोगर दी तीनों रुपए मंत्रकाल विश्राम स्थल में लगा पहले छुए सभी लोग नीचे सुई कील बाबू सिल्वर वाली ये ब्रह्म कुटी है। अच्छा, ये ब्रह्मा जी की चढ़ा की खाओं की कील है। हाँ, इसीलिए ब्रह्मा जी ने 99 बार तपस्या की। तपस्या करने के बाद राजा मनु महारानी शत्रुपा से यह कुंड से उत्पन्न किया। ये वही कील उसी को ब्रह्म कुटी कहते हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति का पूजन है और यहाँ पर चरणों की पूजा है और दुनिया में 2 ही मंदिर है। एक यहाँ पे, हाँ, हमें तो ये पता लगा, आज पता लगा कि यहाँ और पंडित जी यहाँ पे क्या महत्व है। ये बाबू धार्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है। यहाँ पिता पुत्र राम लोकुश की लड़ाई हुई है जिसके बाद आज भी रखे हुए हैं जो मंत्रों द्वारा चलते थे। पुराने लक्ष्मी 1857 की जो गजल हुई है वो बिठूर से ही प्रारंभ हुई है। जन्म स्थान भी बिठूर ही है। बिठूर ही। और बिठूर का मतलब क्या होता है? यहाँ वीरों का ठोर। वीरों का ठोर, यहाँ कोई अन्य नहीं रुक पाया। हाँ, यहाँ वीरों का ठोर है, इसीलिए इसका नाम बिठूर है। बिठूर है, यही कहाँ बोल रहा है। हम यहाँ आए हैं और बिठूर जो है हमारी जो अर्थ है उस पृथ्वी का जो फ्रंट का पार्ट है उसका सेंटर है। और ये हम उसमें विकिपीडिया वगैरह पे कहीं भी आप चेक कर सकते हो, ये बात सच है। जो हमारी अर्थ का फ्रंट पार्ट का सेंटर कहलाता है बिठूर। और बिठूर जो है वो वीरों का स्थान माना गया है, इसका नाम है बिठूर, तो मतलब वीरों का स्थान। और यहाँ पे लवकुश का भी जन्म भी यहीं हुआ था बिठूर में, और इससे इसलिए बिठूर की बहुत मान्यता है। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण भी है वो यहीं लिखी, वाल्मीकि आश्रम में रामायण भी यहीं लिखी गई है। लवकुश का जन्म यहीं। हाँ, अच्छा जी, बाकी आगे की जानकारी हम आपको और देंगे। एक और आ रहे हैं हम,
परसों मक्खन कम ला रहा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अरविंद। अरविंद कहाँ पे हो? क्वालिटी बढ़िया है इनकी, बिथुर में हम खा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के बाद। सॉफ्ट है, बंद भी सॉफ्ट है इनका और मक्खन भी बढ़िया क्वालिटी का। कैसे लगाते हो भैया हमारे मक्खन? लो जी भैया हमारे मक्खन लगा रहे हैं। लगाओ भैया, कम लगाना भैया। नहीं भैया नमक मत लगाना इसमें। अरे ये तो बिल्कुल फ्रेश मक्खन है। बस बस भैया कम लगाना ये। नमक मत डालना। नहीं नहीं कुछ नहीं, प्लेन भैया प्लेन काट के दे दो। दो पीस करना। मट्ठा भी है? नहीं खा रहे हैं तो मट्ठा पी ले। मट्ठा इसी मक्खन का होगा, मट्ठा तो पी ले भैया। मट्ठा पिलाओ। मट्ठा तो कोई है ये नहीं, ये रहने का। हमने बिथुर के दर्शन कर लिए हैं मंदिर के, और अब हम अगला हमारा स्टॉप है जो अयोध्या। अब हम अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या जाके फिर आपको वहाँ का सारा अपडेट हम आपको देंगे। बसेस वगैरह आई हुई हैं? और सारी बसेस हमारी अयोध्या के लिए रवाना हो गई। 2200 यात्री हमारे आए हैं, 2200-2300 यात्री और स्टाफ हमारा आया हुआ है। और ये यात्री हमारी 48-50 बसों के साथ और छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ रवाना हो गया है अयोध्या के लिए। अब हम अयोध्या जा रहे हैं दर्शन के लिए। बाकी का अपडेट आपको अयोध्या जाके देते हैं। थैंक यू।